बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली बिहार पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल बिहार पारा मेडिकल माध्यमिक के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। जो आवेदन 7 जून तक करने के लिए कहा गया था उसकी अंतिम तिथि 7 जून 2022 निर्धारित थी, अब उसकी तिथि बढ़ाकर 12 जून 2022 तक कर दी गई। जो अभ्यर्थी अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं उनके पास मौका है, वे आगामी 12 जून तक आवेदन ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। टेंटेटिव एग्जाम का जो डेट रखा गया है वो पॉलिटेक्निक के लिए 9 जुलाई 2022 को, 9 जुलाई 2022 को पॉलिटेक्निक की परीक्षा होनी है, और पैरा मेडिकल और पैरा मेडिकल माध्यमिक दोनों अलग अलग पालियों में आयोजित होती है, ये 10 जुलाई 2022 को होगी। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं या अभी करने वाले हैं, यदि उनके आवेदन में कहीं त्रुटि है उसमें करेक्शन का मौका भी बोर्ड दे रहा है, और वे 16 और 17 जून को अपने ऑनलाइन समर्पित किए गए आवेदन में यदि कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें एडिट का ऑप्शन खुला रहेगा। इसके साथ ही 27 जुलाई 2022 को सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र परिषद के साइट पर लोड हो जाएगा। आप अपना लॉगिन करके अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप बनाए हैं उस पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अब तक अप्लाई नहीं किए हैं वे निश्चित तौर पे जो बाकी तिथियां बची हुई है 5 दिन उसमें आप अपने ऑनलाइन आवेदन को समर्पित कर दें, और जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं अब उनके पास समय बहुत कम है, सिर्फ 1 महीना का समय है। 1 महीना में कंप्लीट सिलेबस आपको रिवाइज कर लेने हैं। आपको पता है सिलेबस का आइडिया आपके पास होगा, यदि नहीं है तो हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक में पता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें कुल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स से 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस और मैथ से 30 क्वेश्चंस रहता है। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हैं इसके सिलेबस माध्यमिक स्तर तक के होते हैं। माध्यमिक स्तर तक के का अर्थ यह नहीं हुआ कि सिर्फ 9th और 10th, माध्यमिक स्तर तक के का अर्थ हो गया कि अप टू 10th आप जो भी मैथ्स पढ़े हैं, जो भी फिजिक्स पढ़े हैं, जो भी केमिस्ट्री पढ़े हैं, परिषद स्वतंत्र है उससे क्वेश्चन डालने के लिए। जैसे कि मैथमेटिक्स में आप 9th 10th में अभी प्रेजेंट जो सिलेबस है उसमें प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, भिन्न, दशमलव भिन्न, लसम औसत, अनुपात समानुपात, क्षेत्रमिति, इनसे क्वेश्चन कम रह गए हैं। क्षेत्रमिति का कुछ टॉपिक्स तो है लेकिन बाकी टॉपिक्स यहाँ अंकगणित का अब 9th 10th के सिलेबस में नहीं है, वर्तमान सिलेबस में। कभी 9th 10th के सिलेबस में हुआ करता था, तो इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। 30 में कम से कम 3 क्वेश्चंस व्यावसायिक गणित से रहते हैं, उसको भी पढ़ने की आवश्यकता आपको है। फिजिक्स में आप थ्योरी पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटेक्निक में, तो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बनाने की आवश्यकता होगी। केमिस्ट्री में भी आपको न्यूमेरिकल्स काफ़ी बनाने होंगे, मोलालिटी है, मोलालता, मोलालता, नॉर्मलता, सबसे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, परमाणु द्रव्यमान, मास, एवोगाड्रो संख्या निकालना, तो ये औसत द्रव्यमान निकालना, तो ये सबसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। जो भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं उसका प्रैक्टिस कर लें, IUPAC नाम का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और समय कम है, आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि हम गाइड से पढ़ लेंगे तो मेरा हो जाएगा, ऐसी भूल मत कीजिएगा। आप पिछले विगत वर्षों के क्वेश्चंस पलट के देख लीजिए, गाइड से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। गाइड तो सिर्फ एक बेस देता है कि क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है। जब तक आप टेक्स्ट बुक का थ्रो स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आपको फिर
80-90% क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाइए। तो जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, कम से कम 8-9-10th का टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ लें, इस फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, इसके साथ ही मैथ्स का जो व्यावसायिक गणित है, जो कम्पिटिटिव मैथ्स है, जैसे कि ऑस्कर कम गणित आता है, विद्यासागर कम गणित आता है, या फिर अन्य पब्लिकेशंस के आते हैं, लूसेंट के आते हैं, उन पब्लिकेशन से भी आप व्यावसायिक गणित को बना लें, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो 11 से भी पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को भी देख लें। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो 9-10 से बिलोंग नहीं करते हैं, तो मैं एक करके यूट्यूब पे डालते जाते हैं, उन लोगों उस सब का भी आप टोटल स्टडी कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको कमांड होता चलेगा। बिहार इसके लिए पता है कि पॉलिटेक्निक में 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, 90 क्वेश्चन में 2 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट का समय आपके रोल नंबर भरने, OMR रंगने, फिर आपका जो वहाँ पे आइडेंटिटी चेक होता है, वहाँ जो भी आयोग के द्वारा जो डिपूट पर्सन होते हैं वो आपका आइडेंटिटी चेक करता है, वो आपका फोटो लेता है, उस समय 15 मिनट समय आपका जाया जाएगा। 2 घंटा समय आपके पास सफिशियंट है। 120 मिनट में 90 क्वेश्चंस बनाने हैं, जिसमें मैथ के भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस हैं, तो ऑन टाइम 120 मिनट में आप 90 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके भी देखिए। जो प्रैक्टिस सेट है गाइड में या फिर जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस वर्कबुक है, वहाँ प्रैक्टिस करके देखिए कि 120 मिनट में आप 90 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और यदि सॉल्व कर पा रहे हैं तो कितने परसेंट आपके सही हो गए। अब आते हैं बिहार पैरामेडिकल में। बिहार पैरामेडिकल में 90 क्वेश्चंस होते हैं, दोनों में जो 90 क्वेश्चंस है प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो इस तरह से 450 नंबर का एग्जाम होता है। अच्छा कॉलेज तभी मिलता है जब आपको 300+ मार्क्स आया है, कम से कम 350 नंबर यदि आया है तभी आप अच्छे मनमाने ट्रेड और मनमाने कॉलेज में आप जा सकते हैं। बिहार पैरामेडिकल में बहुत अच्छा स्कोप है। बिहार पैरामेडिकल में जानते हैं कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए GNM सबसे बेस्ट है, वीडियो नर्स में उनका अपॉइंटमेंट होता है। इसके साथ ही आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, किसी की बच्ची ANM में जा सकती है जिसका इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट इंग्लिश हो। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए फार्मेसी का कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इस तरह से कई ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट, इस तरह से कई कोर्स हैं जिसके थ्रू वो तो आइदर गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए रिजर्वेशन होता है जो गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट है। इसके साथ ही वो अपना कोई चूँकि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं, अपना सेल्फ का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, प्राइवेट में यही कोर्स करने जाएंगे अच्छा खासा पैसा ले लेता है और अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं मिलती। बिहार पैरामेडिकल के जो भी कोर्सेज हैं उसमें आपको पैसा भी नहीं लगा या न्यूनतम पैसा लगा, और इसके साथ ही ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि बिहार के हॉस्पिटल्स में भीड़ है, तो जब भी आप भीड़ के बीच काम कर रहे हैं, भीड़ के बीच ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपका जैसा आपको कहा जाता है जो आम भाषा में कि हाथ साफ होना, आपका हाथ ज़्यादा साफ होता है, आपको नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मेडिकल कोर्स हो या इंजीनियरिंग कोर्स हो, जो भी क्लास तो आप यूट्यूब पे भी कहीं से भी देख लेंगे, बुक से भी देख लेंगे, मेन प्रैक्टिकल नॉलेज होना है, तो प्राइवेट में प्रैक्टिकल नॉलेज कम से कम देता है। इसलिए आप कोशिश करें, प्राइवेट के चक्कर में नहीं पड़ें, प्राइवेट तो लास्ट ऑप्शन है, आप कोशिश करें, आप मेहनत करके गवर्नमेंट पे निकालें, आपका पैसा भी बचेगा, अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, अच्छी ट्रेनिंग भी मिलेगी, और जब आप पास आउट होके आएंगे तो आप में दम होगा। आप जो भी कोर्स करके आ गए उस कोर्स के बारे में कभी भी कोई अगर पूछेगा या कहीं आपको काम करना पड़ेगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पैरामेडिकल के सिलेबस की बात की जाए तो पैरामेडिकल में साइंस में आ गया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर अंक गणितीय योग्यता, यहाँ देखिए मैथ्स नहीं है, अंक गणितीय योग्यता, तो अंक गणित से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये लगभग 10th लेवल का रहता है, अप टू 10th लेवल तक का रहता है, इसलिए 9-10th का जो टेक्स्ट बुक है यदि वो आप पूरा कमांड कर लेते हैं, साइंस क्वेश्चंस मैक्सिमम आपका टच हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ कॉमन साइंस है जैसे आविष्कारक है, ये पता होगा कि आविष्कारक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्यूटर को भी अब साइंस में नया जोड़ा गया है, तो IT सेक्टर से भी थोड़ा बहुत नॉलेज आप लेके चलेंगे। और इसके अतिरिक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी है,
उसका आप सुपर कंसेप्ट लेके चले, बायोडाइवर्सिटी है, सेल है, उसके बाद फिर आपका जो भी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी का चीज़ है, प्रकाश संश्लेषण हो गया, पोषण, पोषण में जो आ गया स्व पोषण, पर पोषण, फिर आप श्वसन में चले जाइए, प्रसंचन देख लीजिए, निषेचन देख लीजिए, जो जनन में आ गया, नियंत्रण समन्वय देख लीजिए, हार्मोन निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, अतिरिक्त पर्यावरण भी हम पे भी इफेक्ट डालता, तो पर्यावरण भी क्वेश्चन आते हैं जो आपके टेंथ में है पर्यावरण चैप्टर। इसके साथ ही फिजिक्स में भी आप न्यूमेरिकल को लेके चलेंगे निश्चित तौर पे, आप खासकर गति का वर्णन जो है उसे न्यूमेरिकल ले लेंगे, बल और घर्षण से न्यूमेरिकल को बना लेंगे, गुरुत्वाकर्षण से न्यूमेरिकल को बना लेंगे, कार्य शक्ति ऊर्जा से न्यूमेरिकल को बना लेंगे, ध्वनि से भी न्यूमेरिकल को बना लेंगे, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन ये निश्चित तौर पर देखेंगे। कल की वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का पूरा कंसेप्ट दिए हैं एनसीईआरटी से, उसको निश्चित तौर पर यदि आपको संभव होगा तो आप ले लीजिएगा। फिर हम प्रकाश का अपवर्तन अगले वीडियो में डालने जा रहे हैं, उसको भी ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त फिर चुंबक से भी क्वेश्चन होंगे, श्वेत रंग और भव्य प्रकाश से उससे भी क्वेश्चन होते हैं, साथ ही जो मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होता है उससे भी, मायोपिया से भी क्वेश्चन होते हैं, मेट्रोपिया से भी क्वेश्चन होते हैं, ये सब निश्चित तौर पे आप देख के जाएंगे। इसका प्रॉपर आप सीधे ऊपर झापा से देख लेंगे तो आपका काम नहीं चलना, अच्छे स्कोर नहीं आने वाले हैं। आप सीधे गाइड के भरोसे बहेंगे तो आप यह मान के चलेगा आपका स्कोर अच्छा नहीं आना जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते। इसके अतिरिक्त केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप टोटल 9th-10th का केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक पूरा कमांड कर लीजिए, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के और उसके बाद जो है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियडिक टेबल में उसका प्लेस निकालना, वो सब यदि नहीं आता होगा तो पीरियडिक टेबल में वीडियो जा चुका है उसको आप देख लेंगे। इसके अतिरिक्त फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें उसका IUPAC नाम, उसका नोमेनक्लेचर IUPAC नाम में चेन में दे देगा, आपको बता देगा कि इसका जो है IUPAC नाम क्या होगा, 1-2 जो जैसा आप बनाते हैं जो सिस्टम उसका है उस हिसाब से वापस समावयवता क्या होता है आइसोमेरिज्म, उस सबसे क्वेश्चन डाल देते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी पॉलीमर्स हैं केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन रहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डालता है। धातु अधातु में भी खासकर जो अयस्क, किसका कौन अयस्क है वो निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, किसका कौन अयस्क है, कौन किसमें कौन धातु में जो रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं, उसके लिए कैटलिस्ट क्या चाहिए, ये पेट्रोलियम का शोधन में क्या क्या कैटलिस्ट मिलाया जाता है, किस टेम्परेचर पर डीजल बनता है, किस पर पेट्रोल बनता है, वो सब निश्चित तौर पर देख के जाइएगा। सीधे आप गाइड पढ़ लेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, गाइड में बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे दिए हुआ, आपका कुछ ऐसा नहीं दिया है जो जिससे पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ गाइड के भरोसे आप नहीं भाई, ठीक है गाइड आपके पास है, आपने खरीद लिया है, उसे प्रैक्टिस कीजिए, नो डाउट उसको पढ़ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक सतर्कता बरतनी है कि गाइड में बहुत सारे आंसर हम जो गाइड में देखते हैं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स गाइड लाते हैं, गाइड देखते हैं तो बहुत सारे आंसर्स जो होते हैं वो गलत होते हैं, यदि आप वो गलत आंसर याद कर लिए तो आपका अपना जो मूल कंसेप्ट है, जो आप अच्छे आंसर जान रहे थे, सही आंसर जान रहे थे, तो गाइड में उस गलत आंसर के कारण आपका कंसेप्ट लूज हो गया, ऐसा ना हो। टेक्स्ट बुक में जो आपका आंसर है वो सही आंसर रहता, उसके बाद यदि आप गाइड पढ़ते तो आपको पता चल जाएगा कि गाइड में ये आंसर गलत है। इसके अतिरिक्त आते हैं मैथ्स पे, तो अंक गणितीय योग्यता है, इसका मतलब सीधा समझ लीजिएगा कि संख्या पत्ती, लसा मासा, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव भिन्न, भिन्न, सरलीकरण, औसत, अनुपात समानुपात, उसके बाद एकिक नियम, फिर आ जाइए प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, समय दूरी, समय काम, क्षेत्रमिति, ये सभी अंक गणित में आते हैं। तो अंक गणितीय योग्यता से ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जो 15 क्वेश्चंस हैं वो 15 क्वेश्चंस अंक गणितीय योग्यता से ही ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यदि आप 9th-10th का पूरा मैथ्स नहीं भी रिवाइज कर पा रहे हैं और यदि अंक गणितीय योग्यता को आप फोकस कर ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका लगभग 15 में 10-12 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यदि 9th-10th का मैथ भी देख लेते हैं, खासकर आपका छोटा छोटा चैप्टर है, प्रायिकता है, कोऑर्डिनेट है, उसका त्रिकोणमिति का चैप्टर्स है, छोटा छोटा चैप्टर्स है, इसको यदि देख लेते हैं आपको कम समय लगेगा। ज्योमेट्री आपका ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, ज्योमेट्री का जो सिंपल रूल है, सिर्फ ज्योमेट्री में बहुत सीधे करना तो पूछता नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो जो थ्योरम है बस वो थ्योरम ध्यान में लेके चलिएगा फिर भी आपका ज्योमेट्री बन जाएगा वो। अब आते हैं हिंदी में, हिंदी भी 15 क्वेश्चन होते हैं हिंदी से, हिंदी में पूरा हिंदी आ गया आपका, खासकर जो आपका शब्द का जो भंडार है, शब्द भंडार में आ गया आपका विलोम शब्द, यानी विपरीतार्थक शब्द जिसको कहते हैं,
उसके बाद पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द कहिए उसको, एक अर्थक शब्द श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द मुहावरा, लोकोक्ति, संधि, समास, ये अगर आपका कमांड है लगभग और पुस्तक लेखक, तो निश्चित तौर पे 15 क्वेश्चंस में आप 10 क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर लेंगे। इसके अतिरिक्त आपके 11th और 12th के बुक में, जो इंटरमीडिएट का 11th 12th का बुक है, बिहार इंटरमीडिएट का, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो निर्गत बुक है आपका BTC का 11th 12th का, बुक्स का जो भी पुस्तक, जो भी आपका शीर्षक है, उस कहानी के लेखक कौन है, या उसकी कविता है या दोहा है, तो उसके कवि कौन है, तो उसको निश्चित तौर पे आप देख लेना है। इसके अतिरिक्त उसके जो भी लेखक हैं, उसकी प्रमुख कृति, जैसे महादेवी वर्मा का अगर कोई है आपके पास कहानी उस किताब में, तो महादेवी वर्मा की सबसे प्रमुख कृति यामा, तो वो आप देख के जाएंगे, उससे 2-3 क्वेश्चंस को कम से कम पूछे रहते हैं। इस तरह से बाकी उच्चारण स्थान है कि शब्द है उत्पत्ति के, ये इनमें से उत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, शब्द के 3, 4, 5 इस तरह से दे दिया, तो बाकी वाक्य विन्यास से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य इससे क्वेश्चंस होते हैं, पूरा यदि भी वाइज का मौका नहीं मिलेगा, शब्द भंडार निश्चित तौर पर देख लीजिए, नाम कंठा जो संस्कृत में दिया, कुछ लोग बद्ध याद है तो ठीक है, उसका ट्रिक है, हम एक वीडियो में डालेंगे, याद रखेंगे तो उसको निश्चित तौर पे देख लेंगे, या आपको पहले से पता है तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको 11th 12th का जो पुस्तक है, वो सारे पुस्तक का जो मेन कंटेंट है वो आपको याद को नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम उसके जो लेखक कौन है, राइटर कौन है, उस राइटर का मेन किताब क्या है, निश्चित तौर पर देखी जाएगी, 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। इंग्लिश में भी एंटोनिम, साइनोनिम, होमोफोन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स, फ्रेजेस, इससे क्वेश्चन रहते ही हैं, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन रहता है, एडवर्ब से क्वेश्चन रहता है, एडजेक्टिव से क्वेश्चन रहता है, एक दो सिंगुलर प्लुरल दे देता है, ठीक है, इसमें कौन सा प्लुरल फॉर्म है, एक दो वर्ड का जो स्पेल है, करेक्ट स्पेल दे देता है, तो इस हिसाब से आप इंग्लिश भी, आप उसके अतिरिक्त जो आपका टेक्स्ट बुक है इंग्लिश का, उस इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में उसके कौन से राइटर हैं, उस राइटर का कौन सा मेन बुक है, मेन सबसे फेमस बुक क्या है, वो आप देख के जाएंगे, तो इंग्लिश में भी 15 में आप 12-13 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से सॉल्व करके चले आएंगे। अब आते हैं सामान्य ज्ञान, क्योंकि सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसमें हिस्ट्रॉमिक्स ये तो जनरल है, आ गया IT, तो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, ये तो आप देख ही लेंगे, फिर भी जो खासकर जो 11th 12th का जो हिस्ट्री है, इसके सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, उसमें इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, जो मेडिवल हिस्ट्री है, उसको देख लेना है, और उससे ज़्यादा फोकस करना जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, और उस क्रांति के बाद जो भी उसके बाद जो हमारे यहाँ जो स्वाधीनता के लिए जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे संविधान 1950 में बना, उस समय तक का जो इतिहास है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आपका जो आपका सिविक्स पोल गया, उसमें जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा सरकार है उसके अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका में संघीय कार्यपालिका, राज्य में राज्य कार्यपालिका, फिर संघीय विधायिका, राज्य विधायिका, तो इसके फिर सबसे बड़े पद होते हैं राष्ट्रपति, कैसे निर्वाचन होता है, ये सब ज़्यादा देखिएगा, संविधान की रचना कब हुई, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी भाषाएं स्वीकृत है, फिर संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, किस कुछ खास खास जैसे शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो ये सब जो खास खास संशोधन हुए संविधान में, जो बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, बस उसको देख लेना। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स में, खासकर जो इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स हैं, हम लगभग 10-12 वीडियो में इकोनॉमिक्स पे है, उसको देख लेंगे, जो बेसिक टर्म है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, ये सब ब्याज दर जो होता है वो क्या होता है, ये सब निश्चित तौर पर आप देख लेंगे। इसके बाद GDP से क्वेश्चन तो आता है कि GDP या NNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, या
एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट, ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय आय, ये सब निश्चित तौर पर आप देख लेंगे। इसकी गणना कैसे की जाती है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, ये सब जो बेसिक टर्म्स है वो आप निश्चित तौर पर देख लेंगे। और उसके बाद जो है आप आईटी का कुछ बेसिक टर्म देख लेंगे कि कंप्यूटर में रैम का क्या है, अभी 5G चल रहा है तो जी का क्या फुल फॉर्म हुआ, जेनरेशन, ये सब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम का होता है, तो ये सब निश्चित तौर पर जो बेसिक टर्म है वो सब देख लेंगे। कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, पहला कंप्यूटर कौन बनाया, पहला सुपर कंप्यूटर कौन बनाया, इसके अतिरिक्त जो करंट जी के है प्रक्षेपण यान से संबंधित वो देख लेंगे, नदी के किनारे बसे नगर, उसके बाद झील है, कौन सा झील किस राज्य में है, उसके बाद उद्योग के क्षेत्र में क्या कंडीशन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, भारत का स्थान क्या है खाद्यान्न उत्पादन में, आलू उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, फलाना अनुसंधान लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना, इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा, राजघाट कहाँ, ये नारा किसका था, इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा था, पुस्तक लेखक, ये सब आप निश्चित तौर पर देख लेंगे। जीके तो बहुत फास्ट चीज़ है, लेकिन आप कभी भी घूमते फिरते टहलते जीके पे मेरा 70 से ऊपर वीडियोज है, आप घूमते फिरते भी ब्रश कर रहे हैं, वीडियो ऑन कर दिए सुन रहे हैं, आपको ध्यान में कुछ कुछ रिकॉल आता रहेगा, या फिर आप खुद से किसी और माध्यम से यदि आप उसको देख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आप देख सकते हैं। इस तरह से 25 क्वेश्चन साइंस से, 15 क्वेश्चन मैथ से, 15 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से और 20 क्वेश्चन जीके से, पूरे 90 क्वेश्चन पैरामेडिकल्स में होते हैं। इसमें भी 150, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है तो 450 नंबर का एग्जाम होता है, और यदि जीएनएम लेना है अच्छे मेडिकल कॉलेज में लेना है तो 350+ ले आइए, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये पता है कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, इसमें गर्ल्स जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से पढ़ी हो, इंग्लिश एक सब्जेक्ट लैंग्वेज में ली है, वो बिहार पैरामेडिकल में भर सकती है, ठीक है, लेकिन बॉयज में वही भर सकता है जो साइंस से पढ़ा है, साथ में उसका इंग्लिश हो। इसके अतिरिक्त एक बिहार पैरामेडिकल माध्यमिक का भी फॉर्म आया है, पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। पैरामेडिकल माध्यमिक में जो हॉस्पिटल में ड्रेसर होते हैं तो ड्रेसर कोर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए बिहार पैरामेडिकल माध्यमिक, जो कि ड्रेसर अधिकांश हॉस्पिटल, प्रत्येक हॉस्पिटल्स में ड्रेसर की आवश्यकता होती है, बहुत सारे ड्रेसर रिटायर कर गए हैं, बिहार गवर्नमेंट को ड्रेसर को अपॉइंट करना है, इसलिए अब ड्रेसर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। यदि जो ड्रेसर की ट्रेनिंग गवर्नमेंट कॉलेज से कर ले रहे हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर ले रहे हैं इस एग्जाम के थ्रू जा करके, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनका भविष्य बहुत स्वर्णिम है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलना लगभग लगभग तय है, ठीक है, यदि वो अच्छे से करते हैं। इसमें साइंस से 20 क्वेश्चन होते हैं, साइंस में आपको फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, तो आपका 60 क्वेश्चन तो मैथ साइंस से हो गया, मैथ से सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के 60 क्वेश्चन तो सिर्फ यही हो गया, बाकी जो है हिंदी 10 क्वेश्चन से रहते हैं, इंग्लिश 10 क्वेश्चन से रहते हैं और जीके 10 क्वेश्चन से रहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश और जीके का सिलेबस लगभग वही है, और इसका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस है बस पॉलिटेक्निक इक्विवेलेंट है, मैथ का सिलेबस भी पॉलिटेक्निक इक्विवेलेंट है और बायोलॉजी का सिलेबस पैरामेडिकल इक्विवेलेंट है, तो जो स्टूडेंट्स बिहार पैरामेडिकल में अप्लाई कर रहे हैं वो भी चाहें तो पैरामेडिकल माध्यमिक में भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर रहे हैं वो भी चाहें तो बिहार पैरामेडिकल माध्यमिक में अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि बिहार पैरामेडिकल माध्यमिक का जो सीट है वो सबसे कम होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि कहीं भी कोई अगर आवश्यकता हो किसी टॉपिक पे आप नहीं समझ पा रहे हैं निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम संबंधित वीडियो आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे।